वाला। हाँ बोले। हाँ बोलिए। हाँ हम बनारस से मंजुलनाथ तिवारी बोल रहे हैं भैया। हाँ। आज के मुद्दे पर हम यह कहना चाहते हैं आज हेलो हाँ आज के मुद्दे पर हम यह कहना चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज पर आपने जो यह अच्छा प्रोग्राम दिया है यह बहुत अच्छा है और इसकी कोटि कोटि जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। और आपको यह बता दें कि इस संसद और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लोग कहते हैं कि यह धर्म निरपेक्ष है और यह पार्टी अधर्मी है, लेकिन जितने बैठे हैं उसमें से 99% तो केवल धर्म की रक्षा ये नहीं करते हैं, ये धर्म के दुश्मन बैठे हुए हैं उसमें जिसका कोई सीमा नहीं। और शफीकुर रहमान को तो जूते मार करके और उनकी उनकी पार्टी के अध्यक्ष मायावती को भी जूते मार करके भगाना चाहिए इस देश से। जो अपने सांसद को और विधायक को रोक नहीं पाती है ऐसे ऐसे पार्टी अध्यक्ष को यहाँ भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, मायावती पे बार बार ये सवाल उठ रहा है और मायावती ने इसका जवाब देना जरूरी है क्योंकि बार बार ये सामने आ रहा है कि अपने पार्टी के नेता मायावती इस विषय पर चुप क्यों है। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ मैं देवर साल मंगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ जिस बंदे मातरम सोच को सोच से आजादी के बाद राज इच्छाधारी लोगों ने भारत माता को दो टुकड़ों में बांटकर पाकिस्तान का निर्माण करवाया हो उसे संसद तो क्या इस देश में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है? यदि इस सोच को देने को है तो देशद्रोह का केस चलाकर देश निकाला। इस सोच ने इस देश की आत्मा को ही नहीं शिक्षा व्यवस्था को भी तार तार किया है जिससे गंगा यमुनी तहजीब भारतीय संस्कृति किताबों के पन्ने से धीरे धीरे जा रही है। वहीं पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा से चिकित्सा से खाने से पीने से गाने से कपड़े किचन गोसलखाने से नाते रिश्तेदार मम्मी डैडी अंकल के रूप में दिनचर्या में समा रही है। आज पहली इच्छा पाश्चात्य शिक्षा को तो आखिरी इच्छा गंगा तट या बंसीवट पर पंचोतट में विलीन होने की रह गई है। आजादी के बाद मेरी पहचान लाल किला कुतुब मीनार से है, ताजमहल इंडिया गेट चार मीनार से है। दुश्मन नहीं बदल पाया तो गंगा यमुना गोदावरी नदियों के नाम यहाँ लिखे गीता यहाँ गीता यहाँ लिखी गई चलती कहीं और है। ऐसी शांति किस काम की बहुत तिब्बत को गवा बैठे। ओम भारत माता की जय। सूर्य नमस्कार करने के अलावा मेरे पास रह ही क्या गया है। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन वो सूर्य नमस्कार भी कमिनल हुआ है। सूर्य नमस्कार योग या शरीर के लिए एक उपयोगी योग होने के बजाय उसको अब कम्युनल कहा गया और सूर्य नमस्कार करवाने वाले सरकार को कम्युनल कहा जाता है और उलेमा आदेश देते हैं या मस्जिद से आदेश निकलता है कि सूर्य नमस्कार मत करो। वो भले आपके शरीर का विषय है, आपको फायदा चाहिए या ना चाहिए, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने लिए फायदा लेने का या न लेने का अधिकार है, लेकिन जब राष्ट्रगीत या राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तो अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए। सर सुरेश जी प्रणाम, मैं राजकमल बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ। जिस तरह का ये हुआ है हमारे संसद के अंदर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। भारत माता को जो नमन करना छोड़ दे, भारत माता को जो नमन करना छोड़ दे, कह दो उनसे वो मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा है जिसे भारत माता नहीं, वो इस मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद। इस कवि के कवि शब्दों के बाद, कवियों के लाइन के बाद एक कवि लेते हैं गजेंद्र सोलंकी जी को। गजेंद्र सोलंकी जी बोलिए, क्या कहेंगे इस विषय पर? सुरेश जी। हाँ। ये विषय तो बहुत गंभीर है। और गंभीर विषय होने के साथ साथ एक विषय इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से ये अनपेक्षित घटना घटी है जो 64-65 साल के बल इतिहास में भारतीय लोकतंत्र के ये एक मतलब बहुत बड़ा दुस्साहस है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति काम कर रही है। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं और हर प्रकार के लोग उसमें रहते हैं। जाति पंथ संप्रदाय के लोग यहाँ निरपेक्ष भाव से बैठते हैं संसद में, संसद का बाकी विषयों पर नीतियों के ऊपर घटना इस तरीके की घटती रहती है, लेकिन ये जो कार्य हुआ ये तो बहुत ही देशद्रोह वाला कार्य है।
और मैं समझता हूँ कि मैंने कभी लिखा था कि भारतीय जो लोकतंत्र में वंदे मातरम का भारत की आजादी के इतिहास में एक विशेष महत्व रहा है, और हमारे जो एक दो बंद मैं देना चाहता हूँ छंद इस विषय को लेकर। बिल्कुल बोलिए। कि दिव्य चेतना का गान भारत का स्वाभिमान, शहीदों का वरदान गीत वंदे मातरम, गौरव का देता ज्ञान नवयुगी अभियान, एकता की पहचान गीत वंदे मातरम, शांति का है परिधान तीन रंगों की है शान, नव क्रांति का विहान गीत वंदे मातरम, और मित्रता की है ये आन बैरी के लिए कृपान, सबका ही है महान गीत वंदे मातरम, और मंदिरों में भगवान गुरुद्वारों का है ज्ञान, मस्जिदों की है भी अजान गीत वंदे मातरम, माटी की है मुस्कान लोकतंत्र का है मान, भारतीयता का प्राण गीत वंदे मातरम, सूर तुलसी कबीर मीरा और रस खान, मुरली की मीठी तान गीत वंदे मातरम, और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहे सबका ही है महान गीत वंदे मातरम। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति विशेष पर मैंने पहले भी इस व्यक्ति के बारे में सुना है कि ये अपने चुनावी रैलियों में एक घृणा का वातावरण बनाकर कहीं संसद तक पहुंचते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार न केवल जनता के माध्यम से होना चाहिए, हर सदन में होना चाहिए, और राजनीति के जो बड़े लोग हैं, जो भी मतलब राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उनको भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए और ऐसे लोगों से देश को बचाने के लिए ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि हर जाति पंथ संप्रदाय के लोग, हम मुस्लिम लोगों को भी जानते हैं, उनके बहुत सारे लोगों को हम देखते समझते मिलते हैं, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, और वो भी कहीं ना कहीं इस बात से आहत होंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा भी भारत के से प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, तो हर जाति पंथ संप्रदाय के लोगों को इस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ विशेष रूप से सुरेश जी, कि जो देशभक्त लोग हैं किसी भी जाति पंथ के हों, उन लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गद्दारों की, ऐसे लोगों की हिम्मत तभी पड़ती है जब कहीं बाकी समाज बटा रहता है, जाति भाषा क्षेत्र के ऊपर हम वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति में इस बात का प्रभाव हम देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कहीं इस बात से प्रभावित होती है कौन किसी जाति का, कौन किस पंथ का है, कौन किस संप्रदाय का है। इन सबसे ऊपर कर उठकर हिंदुस्तान के लिए कार्य करना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए सोचना चाहिए, तभी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर, राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से। क्या कहेंगे? लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद शफीकुर रहमान पत्र 17 अवसान के दौरान सदन में बजने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन का अपमान करते हुए सदन से बाहर निकल गए, और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में खुदा के अलावा किसी की इबादत की इजाजत नहीं है। आजादी के बाद जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान चुनने के लिए एक समिति बनाई तो उसमें 4 मुसलमान भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, जाकिर हुसैन, एएस रहमान। उस समय इनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा था कि इसको मुसलमान नहीं गाएंगे, जबकि मौलाना आजाद तो जाने माने इस्लामिक विद्वान थे, और कुरान में तो साफ लिखा है कि हर मुसलमान को अपनी धरती के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि धरती ने ही उसे खाना दिया है। विश्व के 8 कट्टर मुस्लिम देशों के राष्ट्रगान में मातृभूमि का वर्णन है। इंडोनेशिया और ब्रुनेई में राष्ट्रगान के बाद धरती को भी चूमा जाता है, तो फिर भारत में शफीकुर रहमान जैसे तथाकथित मुसलमानों के लिए इस्लाम की परिभाषा अलग है क्या? शफीकुर रहमान ने खुलेआम और बार बार ऐसा ही करूंगा कहके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का खुलेआम मजाक उड़ाया है, राष्ट्र विरोधी कृत्य करने की खुलेआम जरूरत की है। इस राष्ट्र विरोधी सांसद को तेज दौरी घोषित करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए, जिससे देश की एकता व अखंडता कायम रह सके। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं मुंबई से एनी कोहली, सोशल एक्टिविस्ट बोल रही हूँ। हाँ। इस मुद्दे पे मेरा ये मानना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में आता है, ये मुद्दा जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम में आता है। इसकी सजा वही होनी चाहिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में होती है, और इसके ऊपर सब
सब लोग इसके ऊपर मिलके जो है एक याचिका दायर करें और इस आदमी को या तो देशद्रोह का करार देके इसको अंदर किया जाए और इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और इसके ऊपर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, क्योंकि इसी वंदे मातरम ने हमें आजादी दिलवाई है, इसी वंदे मातरम के झंडे के नीचे जो है हमारे जो महान शहीद हुए हैं उन्होंने शहीदियां दी हैं। इस आदमी को सबसे पहले इसके ऊपर केस चला के इसे रेयर क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए संसद को, अगर ये संसद वाकई चाहती है कुछ एक्शन लेना। मीरा कुमार अगर सच में अगर बिल्कुल वो चाहती हैं कि इसके ऊपर कुछ करना है तो पहले संसद में एक बिल पास करें कि जिसे इस देश में रहना है उसे वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम, धन्यवाद। लेकिन मीरा कुमार ने बात तो की, उसके बाद कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इतने दिन होने के बाद भी अब तक उसको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं हुआ है, केवल बातें बातों में हैं और देशद्रोही अपनी मजा ले रहे हैं। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, शक्तिनगर सोनभद्र से। हाँ सर, ये कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहा जाए, जैसे राम सेतु समुद्र जिसको कॉम्युनल लगता है सेकुलर नहीं लगता, जिसको गाय कॉम्युनल लगती है सेकुलर नहीं लगती, सूर्य नमस्कार जिसको सेकुलर नहीं लगता कॉम्युनल लगता है, इस सरकार के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, धन्यवाद। ये सारे जो इस देश के मान सम्मान और आदर आस्था के प्रतीक है, ये सारे कम्युनल होते जा रहे हैं और अब सेक्युलर लोग इस पर लात मार के भी चले जाते हैं तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। ये भारत कैसा देश है जहाँ पर राष्ट्रगीत का अपमान सेक्युलर है और किसी की टोपी ना पहनना कम्युनल है।